दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच गए हैं। ये 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा है। प्रधानमंत्री का एथेंस पहुंचने पर भारतीय मूल के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस के साथ चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच संबंधों को अधिक सशक्त करने के लिए ये बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ग्रीस पहुंच चुके हैं। एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रीस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा है। भारत और ग्रीस के बीच ऐतिहासिक संबंध है, जो हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश और लोगों से लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में जहां आपसी संबंधों को और बेहतर करने पर जोर होगा, तो वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बढ़ाने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से ग्रीस में मौजूद भारतीय समुदाय में खुशी की लहर है। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एथेंस में रह रहे भारतवंशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए।